छत्तीसगढ़ की राजधानी में पूरे 61 दिन बाद एक ही दिन में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र और ओडिशा से लौट कर आए पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, दो संक्रमित प्रदेश के खरसिया और भाटापारा से लौटने के बाद संक्रमित हुए हैं। 10 नए पॉजिटिव में से 6 लोगों से स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क नहीं कर पाई है और सभी ने या तो गलत नंबर दिए या फिर फोन बंद कर लिया है। पॉजिटिव आए लोगों में 12 साल की एक बच्ची भी है। जिन इलाकों में संक्रमण निकला है उनमें पापाडी, शिवानंद और पंडरी मार्केट, पोलिस लाइन और अटल नगर के लोग हैं। जिन लोगों से ट्रेसिंग टीम कांटेक्ट कर पाई है उनमें से 3 लोग ओडिशा के पुरी और कटक से लौटे हैं। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से लौटने के बाद कोविड पॉजिटिव पाया गया है और जानकारी के मुताबिक कोरोना के एक दिन में इतने अधिक केस आने से स्वास्थ्य विभाग में चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बीच बीच में कोरोना के इस तरह से ट्रेंड अक्सर देखे जाते हैं। इस साल 19 अगस्त के महीने के बाद रायपुर में कभी भी दहाई के अंक में कोरोना के मामले सामने नहीं आए। सोमवार को 2370 से अधिक टेस्ट हुए जिसमें से 10 संक्रमित पाए गए हैं। जांच के अनुपात में पॉजिटिविटी रेट 0.42% पर रही है। बड़ी जानकारी। इसी बीच हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि बड़ी चूक स्वास्थ्य महकमे की ओर से हुई है। यहाँ पर 10 केस आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से 6 मरीज जो है वो स्वास्थ्य महकमे के रडार से दूर निकल चुके हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अब उन्हें तलाशने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके से इस पर स्वास्थ्य महकमे का बयान सामने आया। अभिषेक, मैं यहाँ बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर जो कोरोना टेस्टिंग सेंटर है लगभग स्वास्थ्य महकमे द्वारा बंद कर दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ, कुछ चुनिंदा स्थानों पर ही कोरोना जांच की जा रही है, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों पर ही व्यवस्था है, लेकिन वहां पर भी जाने से लोग अब बच रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि मैंने अगर दो थे वैक्सीन लगा लिए हैं तो मैं सुरक्षित हो गया हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके बावजूद वह रेल में यात्रा कर रहे हैं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, बाजारों में इस समय त्योहारी सीजन के चलते यहाँ पर भारी भीड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह इसके कोरोना के चपेट में पुनः आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को कोरोना जांच अवश्य कराई जानी चाहिए, जिस तरीके से रेलवे में जाते वक्त एक कोरोना टेस्ट होना चाहिए और आने के बाद कोरोना टेस्ट होना चाहिए। अभी जो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना टेस्ट कल जो प्राप्त हुआ है, 10 जो पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, इसमें 6 रेलवे स्टेशन पर ही प्राप्त हुआ है। मात्र 50 लोगों के कोरोना टेस्ट के दौरान 6 लोगों का पाया जाना पॉजिटिव, ये बड़ी बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि ये 6 लोग 600 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से वहां पर कोरोना टेस्ट करने के बाद उन्हें जाने दिया गया, फिर थाना पूर्ति की गई, उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें जिस तरीके से सारी चीजें उनकी करनी थी वहां नहीं की गई, तो उन्हें सिर्फ होम क्वारंटाइन कहकर उन्हें भेज दिया गया। तो इस तरीके से कई लोगों ने अब मोबाइल बंद कर लिया है, लापता हो गया है। जिस तरीके से कई लोगों ने मोबाइल को बंद कर लिया है, कई लोग जो है स्वास्थ्य महकमे का जो रडार है, जो ट्रेसिंग सिस्टम है, उससे दूर होकर निकल चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि जैसे पहले टेस्टिंग होती थी, वो टेस्टिंग सुविधाएं भी अब कम हो गई है, तो क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की भी या प्रशासनिक अमले की भी बड़ी लापरवाही मानी जाए? क्योंकि जहां एक और लगातार स्वास्थ्य महकमे का ये कहना है कि हम ट्रैकिंग से, ट्रेसिंग से कोरोना को कम करेंगे, और वहीं दूसरी ओर जांच इतनी कम हो रही है। स्वास्थ्य महकमे द्वारा जो टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, और ये होना चाहिए कि एक ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य है इस समय टेस्ट होना। टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कितने पॉजिटिव, लेकिन जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो संख्या शून्य ही दर्ज होगी। तो ऐसे में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरी तरीके से कोरोना मुक्त बताया जा रहा था, वहीं सिर्फ प्रदेश में 8 से 10 पॉजिटिव प्रकरण आ रहे थे, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ही दिन में, 2 माह के बाद एक ही दिन में जिस तरीके से 10 प्रकरण आए हैं, और यह भी संभव तब हुआ है जब कोरोना टेस्ट हुआ है। ऐसे में 10 प्रकरण आए हैं और कोरोना टेस्ट की संख्या यदि बढ़ती है तो निसंदेह यह आंकड़ा बढ़ सकता है, और इसमें लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। लोगों को अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, दूसरों की जान की फिक्र करनी चाहिए, और बाकायदा जाकर कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, चाहे वो यात्रा पर गए हो, नहीं गए हो, जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उनको सीधे तौर पर ये बात साफ है कि लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है, और इस लापरवाही का खामियाजा जो है पूरे प्रदेश को, भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।